हेलो बच्चों, केवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, हेलो एल्केन व हेलो एरीन या हेलोजन व्युत्पन्न। अब तक हमने पढ़ा कि इसमें बनाने की विधियां जो हम पढ़ रहे थे, अल्कोहल से हम हेलो एल्केन हेलो एरीन कैसे बनाते हैं। हेलो एल्केन का मतलब होता है RX, हेलो एरीन का मतलब होता है ARX। ठीक है, इनको बनाते कैसे हैं, हमने पहली विधि इसमें जो पढ़ी थी वो क्या थी, अल्कोहल से कैसे कैसे इसको बनाया जाता है इन दोनों को। तो यहाँ पर हमने इनकी बनाने की विधियाँ पढ़ी थी। अब जो नेक्स्ट विधि हम पढ़ेंगे वो क्या है, हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन से क्या बनाते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, दोनों प्रकार के एल्किल हैलाइड बना लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में पहले क्या आता है, फर्स्ट है जैसे मैथेन CH4, यानी हाइड्रोकार्बन और भी ले सकते हैं, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई सा भी ले सकते हैं, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। जब हम हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हैलोजन से कराते हैं, हैलोजन में ज़्यादातर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का उपयोग किया जाता है, फ्लोरीन का बहुत ही कम करते हैं। तो ये अभिक्रिया जब इसको कराते हैं, गर्म करते हैं, अब देखो यहाँ पर गर्म दो तरह से हो सकती है, या तो हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएं या फिर वैसे करते हैं। यदि हम इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया कौन सी विधि से होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि से संपन्न होगी। तो उसमें क्या होगा, ये अभिक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि हाइड्रोकार्बन के सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह से ना हो जाए और अंत में जाकर ये अभिक्रिया रुक जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसमें कि इस अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, यानी हेलो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम बात करें H2 लिया, ठीक है, तो ये अभिक्रिया इस तरह से जारी रहेगी, CH यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर लग गया X, क्या बाहर निकल गया इसमें, -HX बाहर हो गया। ठीक है, अभी आगे भी क्या फिर होगी, किससे अभिक्रिया होगी, फिर H2 से अभिक्रिया होगी, यहाँ भी -HX बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा CH2X2, डाई हेलो एल्केन बन गया। फिर आगे और अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सभी हाइड्रोजन ना हट जाएं, HX, और यहाँ पर बन गया CH3, ट्राई हेलो एल्केन बन गया। फिर आगे और अभिक्रिया होगी, X2 -HX बाहर निकलेगा और ये क्या बन जाएगा, CX4, यानी टेट्रा हेलो मैथेन बन गया या टेट्रा हेलो एल्केन बन गया। अब इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये अभिक्रिया यहाँ पर आकर रुक जाती है, अंत में जो प्रोडक्ट बनता है वो टेट्रा हेलो एल्केन बनता है। तो ये अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि से संपन्न होती है। तो जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, हेलोजन हमने यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, ठीक है, तो क्लोरीन जब हम लेंगे तो उसको अभिक्रिया को किस तरह से लिखेंगे, लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होगा। एल्केन का हेलोजनीकरण कैसे होता है, हमने मैथेन लिया यहाँ पर CH4, तो इससे पहले क्या करते हैं, ये अभिक्रिया किससे अभिक्रिया कराई जाती है, हेलोजन से कराई जाती है। हेलोजन में हम ले लिया CL2, ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में समांश विखंडन होगा, इसमें समांश विखंडन, तो क्या बनेंगे, CL CL, यानी मुक्त मूलक बनते हैं। क्लियर है। अब ये मुक्त मूलक क्या करते हैं, अब जैसे मान लो ये CH4 है, CH3H ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसमें समांश विखंडन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, एक इसके पास आएगा, तो इसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं। अब ये दो टुकड़े क्या होते हैं कि यहाँ पर हमने अभिक्रिया कराई किसकी, एक ये मुक्त मूलक यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आकर जुड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या किसमें बदल जाएगा, इस तरह से बन जाता है CH3, ये समांश विखंडन हो गया, H+ हो गया, दो मुक्त मूलक बन गए। तो इसमें एक तो इससे जुड़ जाएगा CL,
क्या बना लेगा, HCl, और एक Cl इससे आकर जुड़ जाता है। तो मुक्त मूलक क्रियाविधि से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इस तरह से यह अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। उसमें क्या होगा, फिर दोबारा से इसमें क्या बन गया, ये इससे जुड़ गया, तो क्या बना लेता है, CH3Cl। मुक्त मूलक क्रियाविधि से, आयनिक विधि से भी हो सकती है ना। तो मुक्त मूलक क्रियाविधि से क्यों होगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हो रहा है या परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो अब ये CHCl3 बन गया, देखो यहाँ पर ये हमने ये लिख दिया CH3Cl प्लस में, अब यहाँ पर वही Cl है, Cl2 है, इसी की तरह समांश विखंडन होगा और क्या बनाएगा ये, जैसे मान लो यहाँ पर एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो दो टुकड़े हो गए। यहाँ लिखते हैं एक मूलक और ये दूसरा मूलक। इसमें से भी क्या होगा कि जैसे मान लो ये H है, ये H हटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो ये भी क्या हो गया, मुक्त मूलक बन गया। ये तो HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये Cl आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 और Cl2 बन गया। ठीक है, क्या बाहर निकला, HCl बाहर निकला, HCl। ठीक है, तो इस तरह से यह अभिक्रिया होती रहेगी मुक्त मूलक क्रियाविधि से। तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते थे, एक ही उसमें लिख देते हैं इसको, यहाँ पर लिख दिया CH4 प्लस में Cl2, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो क्या बन गया, CH3Cl प्लस में HCl। ठीक है, ये हो गया मेथिल क्लोराइड। इसमें एल्किल के हैलोजन हैलोव्युत्पन्न बनेंगे, हैलोजन जुड़ते चले जाएंगे, हाइड्रोजन हटता चला जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, फिर ये CH3Cl किससे अभिक्रिया करेगा, फिर Cl2 से अभिक्रिया करेगा, वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एक H और हट जाएगा, यहाँ पर Cl2 हो जाएगा प्लस में HCl। डाइक्लोरोमेथेन हो गया, डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है, IPC नाम लिख रहे हैं इसका, CH2Cl2, फिर किससे अभिक्रिया करेगा, फिर Cl2 के दूसरे अणु से क्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फिर क्या होगा, CH, एक H बचा यहाँ पर, दो एक एक कम होता जा रहा है, यहाँ पर क्या लिख दें, Cl3 लिख दें, वे तीन Cl जुड़ गए, Cl3, इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, प्लस में क्या हो गया, HCl हो गया। क्लियर है, अभी भी एक H बचा हुआ है, अभी क्या और आगे चलेगी, CH Cl3 Cl2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CCl4, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस में HCl। अब यह अभिक्रिया रुक जाएगी यहाँ पर, क्योंकि अब इस कार्बन के पास प्रतिस्थापित होने के लिए हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो अब जिसको भी बनाना हो वहाँ पर अभिक्रिया को रोक देते हैं। वैसे तो यह अभिक्रिया जारी रहेगी और लास्ट में यहाँ तक आकर रुकती है। तो ये क्या हो गया, एल्केन का हैलोजनीकरण, जो हम किस में पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में। इससे पहले क्या पढ़ा था, एल्कोहल से बनाने की विधि, ये दूसरी है, पहली क्या थी, एल्कोहल से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में हमने किसको लिया, एल्केन को लिया फर्स्ट। अब ये तो हो गया एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब यहाँ पर R है, कार्बन श्रृंखला है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको। अब देखो हाइड्रोकार्बन से ये तो हमने ये बना लिए हेलो एल्केन, ठीक है, अब हेलो एरिन कैसे बनाएंगे, इसी में सेकंड है। ठीक है, यदि हम इसको बेंजीन वाले पर CH3 लगा दें, या यहाँ पर लगा दूँ CH3, इसका नाम क्या होता है, टालुइन, या मेथिल बेंजीन भी इसको बोलते हैं। तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा,
तो किससे अभिक्रिया कराते हैं? जब टालोइन की अभिक्रिया किसी हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उसमें भी हैलोजन लिया था, यहाँ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था, यहाँ हमने अब क्या ले लिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया है। तो हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं लुईस अम्ल की उपस्थिति में, लुईस अम्ल यानी AlCl3 या FeCl3 कोई सा भी ले सकते हैं। Fe धातु की उपस्थिति होगी प्रेरक की, और अभिक्रिया किस में कराते हैं, अंधेरे में कराते हैं, ठीक है। इसको गर्म किया जाता है तो इसमें मिश्रण बनता है CH3, और यहाँ पर हम लगा दें X प्लस में, यहाँ पर लगा दें X और ये हो गया CH3। ऑर्थो पैरा टालोइन बन का मिश्रण बनता है, ऑर्थो पैरा टालोइन का मिश्रण बनता है, और फिर इनको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि इनके क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है। तो ये अभिक्रिया इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन के आधार पर होती है। तो यदि यहाँ पर मैथिल समूह जुड़ा है तो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, इसके इलेक्ट्रॉन वले की ओर होते हैं, वले की ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, ऑर्थो पैरा स्थिति पर अनुनादी संरचना में बनाया था, बताया था हमने। तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, कार्बन के पास, तो हमारे पास ये संरचना बन जाएगी इस तरह से, CH3 ये माइनस हो गया, ठीक है। X2 टूटेगा किसमें, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो अब देखो जो माइनस का X है वो तो कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर, और जो ये प्लस का X कहाँ चला गया, जो ये हाइड्रोजन बाहर निकला था यहाँ, सॉरी ये प्लस का हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा इससे, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर, ये प्लस है, माइनस का किससे जुड़ेगा, जो H प्लस का अलग हुआ था इससे हो जाएगा अलग, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, माइनस HX बाहर निकल जाता है इसमें। तो ये हो गई किसको, एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, एरोमेटिक हैलोविटन की अभिक्रिया इसको बना सकते हैं। हम यहाँ पर बेंजीन भी ले सकते हैं, देखो टालोइन लिया कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर बेंजीन भी ले सकते हैं भाई। कभी सोच रहे हो सर उसमें तो R लिया, इसमें ये मैथिल क्यों लगा दिया, है तो हाइड्रोकार्बन ही, वो भी ये भी हाइड्रोकार्बन है बेंजीन भी, लेकिन कैसा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी H होते हैं, कितने H होते हैं, इस तरह से 6 H जुड़े हुए होते हैं। इसकी अभिक्रिया हैलोजन से कराते हैं, X2 से कराते हैं, तो क्या होता है, H बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, जहाँ से निकला है वहाँ पर हैलोजन लगा था, क्लियर है, हेलो एरिन बन गया ये। हैलोजन में कौन कौन से, इसमें या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, ज़्यादातर इन्हीं का उपयोग करते हैं। इसका कारण भी होता है कि आयोडीन का उपयोग नहीं करते हैं, इसका कारण इसमें देखो आयोडीन का उपयोग नहीं होता है और फ्लोरीन का उपयोग नहीं होता है, इनका उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर किसको लेते हैं, या तो Cl2 को लेंगे या Br2 को लेंगे, इनका उपयोग किया जाता है। कारण ये होता है, यदि हम आयोडीन को यहाँ पर ले लें इसकी जगह पर, यहाँ पर यदि हम आयोडीन को ले लेते हैं आई, तो क्या बाहर निकलेगा भाई, यहाँ आयोडीन तो आ जाएगा ये, ठीक है, लेकिन जो एच आई बाहर निकलेगा, एच आई, क्योंकि यहाँ सीएल लेंगे तो यहाँ एच सीएल बाहर निकलेगा, बीआर लेंगे तो एच बीआर बाहर निकलेगा, और आयोडीन लेंगे तो एच आई बाहर निकलेगा। तो एच आई क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर ये आयोडीन मुक्त कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे तुरंत एच आई बनेगा तुरंत आयोडीन में बदल जाएगा ऑक्सीकृत होकर। अब आयोडीन में बदल गया तो इसका मतलब यहाँ पर आयोडीन जुड़ना कठिन हो जाएगी और यहाँ पर ये आयोडाइड के उत्पन्न नहीं बन पाएंगे। दूसरी बात फ्लोरीन, अब फ्लोरीन क्या होता है, HF बनाएगा, HF में क्यों क्या होगा कि ये ज़्यादा अत्यधिक फ्लोराइड क्रियाशील होता है अत्यधिक विद्युत ऋणता के कारण, तो इसका उपयोग इसलिए नहीं करते हैं, मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनाने की विधियाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन, टालोइन की अभिक्रिया हैलोजन से कराते हैं
इसका। तो यहाँ पर लिख दिया है आई टू एफ टू का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि एरीन आई टू के साथ क्रिया कर एच आई बनाता है जो शीघ्र ही ऑक्सीकृत होकर आई टू दे देता है, जबकि एफ टू की उच्च क्रियाशीलता होने के कारण एरीन अभिक्रिया नहीं कर पाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम बनाने की विधि पढ़ेंगे एमीन, एमीन से, यानी एमीन में हम क्या लेते हैं, जैसे मान लो एरोमेटिक एमीन लिया, जो नेक्स्ट विधि है इसको हम तीन नंबर भी दे सकते हैं, पहली अल्कोहल से, दूसरी हाइड्रोकार्बन से, तीसरा ये होता है। तो हम सबको एक एक दो नंबर भी दे सकते हैं, ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ तीन नंबर क्योंकि अब इसमें हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हेलो एल्केन बनाएंगे, तो एरोमेटिक हेलो एल्केन कैसे बनेगा और एलिफेटिक कैसे बनेगा। तो इसमें हम अमोनिया के व्युत्पन्न लेते हैं, जैसे मान लो हमने ये लिया, हमारे पास ये है एनिलीन NH2, क्या है ये एनिलीन। अब यदि एनिलीन की अभिक्रिया हम नाइट्रस सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस में HCl, इसमें HCl को 2:1:2 में इनको लेते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, डाई एजोनियम लवण बनता है। पहले क्या बनता है, डाई एजोनियम लवण Cl माइनस इस पर प्लस आवेश आ जाता है। जब इसको क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये एरोमेटिक हेलो व्युत्पन्न बनाता है, प्लस में नाइट्रोजन बाहर निकलती है, यानी ये क्लोरोबेंजीन। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, इसे हम कहते हैं सैंड मेयर अभिक्रिया, सैंड मेयर अभिक्रिया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, नाम से आती है, कई पाठों में आपके है ना, एमीन वाले चैप्टर में भी आएगी वहाँ पर, इम्पोर्टेंट है ये। इसमें एनिलीन से हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, हम इसे फिनॉल भी बना सकते हैं है ना, फिनॉल बनाने के वाले चैप्टर में भी आती है। अब वो कैसे होती है इसकी अभिक्रिया विधि, ये देखो क्या काम आता है, 2:1 में हम लेते हैं, ये तो सोडियम नाइट्राइट है और ये HCl है, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों अभिक्रिया करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझना कि जैसे मान लो NaNO2 इसके 2 अणु हैं, ठीक है, तो पहले एक HCl काम आएगा, उसके बाद दूसरा HCl काम में आता है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे Na और NO2, ठीक है, प्लस में HCl, तो HNO2 बनेगा, क्या बनेगा, HNO2 प्लस में NaCl, यहाँ पर एक HCl काम आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये नाइट्राइट, हाइड्रोजन नाइट्राइट है, NO2 है, नाइट्रस अम्ल भी बोलते हैं इसको, नाइट्रस अम्ल या हाइड्रोजन नाइट्राइट बोलते हैं इसको। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, एनिलीन से कराते हैं, HNO2 से। तो यहाँ पर देखो मैं इसको एनिलीन को ऐसे बना रहा हूँ, एन एच और एच, ठीक है, सेम है, एनिलीन है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं नाइट्रस से। तो इसका सूत्र क्या होता है, संरचना क्या होती है, इसकी संरचना होती है HONO, ये संरचना है इसकी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ONOH, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जल का अणु बाहर निकल जाएगा, H2O, क्लियर है यहाँ तक, H2O बाहर निकला, यहाँ पर 2 बंध टूटे हैं ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के भी 2 बंध टूटे हैं, तो ये दोनों नाइट्रोजन आपस में 2 बंध से जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, N, क्लियर है, यहाँ पर लगा देंगे 2 बंध, फिर इसको लिखेंगे N को, फिर उसके बाद क्या हो गया, OH, ये बन गया, यानी यहाँ तक पहुँचने में ये बीच में जो पद है ये काम आते हैं। अब क्या करेंगे, हमने 2 HCl लिए थे, एक HCl तो यहाँ काम आ गया, यहाँ पर दूसरा HCl यूज करते हैं, ठीक है। अब ये HCl क्या करता है, यहाँ से जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा और क्या बनेगा हमारे पास, बेंजीन, नाइट्रोजन के 2 बंध और ये Cl, सबके 3-3 बंध है, इसको बोलते हैं डाई एजोनियम लवण।
तो इसमें क्या होता है, अब इसकी अभिक्रिया आगे करते हैं, मैं इसको इस दोबारा से लिख दूंगा क्रिया विधि को, किससे कराते हैं इसकी अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, Cu2Cl2 की उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से बंद के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, नाइट्रोजन की, ठीक है। बंद के इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर, कितने बंद हो गए यहाँ, तीन बंद हो गए, तीन और एक ये चार, नाइट्रोजन चार बंद नहीं बनाता, तुरंत ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसके पास। तो बीच में क्या निकल गया, ये देखो ये वाला N2 बाहर हो गया, N2 का मतलब होता है यहाँ बन गया -N(NN)। ये किसका सूत्र होता है, N2 का, नाइट्रोजन का। अब ये Cl कैसा हो गया, माइनस का। ये कार्बन कैसा हो गया, प्लस का कार्बन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं। तो ये Cl यहाँ पर वलय पर आकर जुड़ जाता है और ये बना लेता है इस तरह से क्लोरोबेंजीन, ये एरोमेटिक हेलो व्युत्पन्न बन गया। तो इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें ये होगा, मैं इस अभिक्रिया को क्लियरली दोबारा से लिख देता हूँ, अब उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये एनिलीन से अभिक्रिया है, इसमें आप नीचे जो बता रखी है अभिक्रिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हम इस अभिक्रिया से फिनॉल भी बना सकते हैं। फिनॉल बनाने के लिए यहाँ पर हम जल का उपयोग करते हैं, तो जल का उपयोग करेंगे तो वापस ये बनेगा और ये बनेगा, तो इसमें फिर N2 बाहर निकलेगी, यहाँ OH आ जाएगा, OH आएगा तो यहाँ पर ये OH समूह जुड़ जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। तो ये सैंडमेयर अभिक्रिया है जो कि क्लोरोबेंजीन बनाने के काम आती है, एरोमेटिक हेलो व्युत्पन्न बनाते हैं। तो ये तो हो गई, हमने एनिलीन को लिया। अगर हम यहाँ पर NH2 से यहाँ बेंजीन वाले जुड़ी हुई है, अगर मान लो R जुड़ा हुआ हो, यानी R NH2 ले, तो ये वाला है ना, ये एरोमेटिक एमीन है, ये एलिफेटिक एमीन है। तो एलिफेटिक एमीन से क्या बनता है, RX बनेगा, और उससे क्या बना था, ARX बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एलिफेटिक एमीन से एल्किल हैलाइड बनाना। इसके बाद है प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन कौन सा, वो भी प्राथमिक एमीन ही था, वो एरोमेटिक था, ये है एलिफेटिक। तो इसमें क्या लेते हैं, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन का मतलब होता है R NH2, प्राथमिक एमीन हो गया। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, टिंडल अभिकर्मक से कराते हैं, जिसको हम लिखते हैं N(OCl), ठीक है। इससे हम अभिक्रिया कराते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है, RCl ये बाहर, तो यहाँ पर क्या बचता है, N2। इसको जब गर्म किया जाता है तो RCl प्लस में N2 प्लस में H2O, तो ये हमारा एल्किल क्लोराइड बन गया। इसको हम जो अभिक्रिया कराते हैं, इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड भी बोलते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये है प्राथमिक एमीन, इससे अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं, एल्किल हैलाइड। तो अब देखो यहाँ पर ये भी अभिक्रिया उसी तरह से होती है जैसे हमने यहाँ पर लिया, ये कोई भी बड़ा थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, RCH2 प्राथमिक एमीन लेते हैं, द्वितीयक एमीन इसमें नहीं लेते हैं, कौन सा लेते हैं, सिर्फ प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया कराते हैं। ये RCH2N, ये है H और ये है H, ठीक है, ये भी प्राथमिक एमीन ही है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे, नाइट्रोसिल क्लोराइड से, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, O(NCl), ये नाइट्रोसिल क्लोराइड हो गया। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, तब देखो ये तो हो गया माइनस का, H हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का, N पर प्लस आवेश आ गया, ठीक है। ये H यहाँ से हटेगा, इससे जुड़ेगा और ये नाइट्रोजन जुड़कर इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, फिर क्या बचेगा, एक ओ बचेगा, वो भी ऐसे हट जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आया, तो कितने माइनस हो गए यहाँ पर, दो, ऐसी ये यहाँ पर आया,
इस पर कितने माइनस हो गए, दो, कितने प्लस हो गए, दो, दो प्लस और दो माइनस जुड़कर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो आप इतने उसमें ना पढ़ो तो सीधा ही उसी की तरह बना लो आप, ये समझाने के लिए था। इसकी मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ तो इतना ध्यान रखो कि जल का अणु निकाल दो H2O, ठीक है, यहाँ गर्म किया क्या बन गया RCH2 N डबल बॉन्ड N के बाद क्या है Cl, ये बन गया। उसी की तरह डायजोनियम क्लोराइड में जो बनता है, अब इसमें क्या करते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी विद्युतता ज़्यादा है, नाइट्रोजन की, इसमें इसकी ज़्यादा है, Cl माइनस का हो गया, कार्बन प्लस का हो गया, यहाँ N के बीच में तीन बंद आ गए तो क्या बाहर निकल गया RCl, वो CH2 Cl प्लस में N2 बाहर निकल गया, तो ये एल्किल हैलाइड बन जाता है। इस तरह से एलिफेटिक हैलोविथपन भी बना सकते हैं और एरोमेटिक भी बना सकते हैं दोनों प्राथमिक एमीन से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद है हुंसडीकर अभिक्रिया, ठीक है, हुंसडीकर अभिक्रिया में हुंसडीकर अभिक्रिया ले रहे हैं, इसमें हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हैलोजन से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण C(OOAg), ठीक है, ये सूत्र होता है, इन्हें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण कहते हैं। यहाँ पर कार्बन श्रृंखला है, आगे श्रृंखला बढ़ सकती है, अभिक्रिया किससे कराते हैं, ब्रोमीन से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, जब गर्म करते हैं तो इसमें क्या बाहर निकलता है, RCl प्लस में CO2 प्लस में यहाँ पर AgBr का अवक्षेप बन जाता है। तो इस तरह से एल्किल हैलाइड बनाने में हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। हुंसडीकर की पहचान सिल्वर लवण होना चाहिए। लैंग्वेज आप लिख सकते हो कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्ल का सिल्वर लवण है ये। मोनोकार्बोक्सिलिक इसलिए कहते हैं, एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इनमें क्या बनाते हैं, AgC(OH) ये होता है, प्लस में अभिक्रिया कराते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी, तो इसमें से H2O बाहर निकल जाता है, तो ये क्या बनता है, सिल्वर लवण बनता है, या सिल्वर नाइट्रेट की भी करा सकते हैं यहाँ पर इसकी अभिक्रिया AgNO3, इससे अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बाहर निकलेगा, HNO3 बाहर निकल जाएगा और क्या बनता है, ये सिल्वर लवण बनता है। तो उनसे बनाए जाते हैं, इस पे एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है तो इसको कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। अब इनकी अभिक्रिया इसमें AgBr से कराते हैं तो क्या होता है, इसका विकार्बोक्सिलीकरण भी होता है, क्या होता है, ये तो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, क्या होगा, विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब समझते हो कि जहाँ वी आ जाए, का एक होता है कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक लिखे तो CO2 का जुड़ना होता है, जुड़ती है अभिक्रिया में, और वी लग जाए तो इसका मतलब ये बाहर निकलेगी CO2, इसमें निकल रही है CO2 बाहर, कैसे निकलती है कि Br2 से अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर क्या होगा RC(OAg) और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है Br-Br, तो ब्रोमीन है तो AgBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही AgBr बाहर निकला तो ये बन गया हमारे पास C(OO) और यहाँ पर जुड़ गया Br, क्लियर। अब Br ऑक्सीजन से इसकी विद्युतता ज़्यादा है तो क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन तो किस पर आ जाते हैं, Br, ठीक है, ये का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो देखो ये बंद भी टूट गया यहाँ से और ये बंद भी टूट गया, बीच में क्या बचा C(OO), यहाँ भी क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो यहाँ R पर कैसा आवेश आ गया, R बचा प्लस का, कार्बोकैटायन बच गया,
और बीच में से क्या निकल गया, ये CO2 बाहर निकल गया। Br कैसा है, माइनस का, वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और यहाँ पर सॉरी HBr लिख लेना ये, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास जो उत्पाद है RBr, एल्किल ब्रोमाइड बन गया और क्या बाहर निकल गई, प्लस में CO2 बाहर निकल गई। तो इसे कहते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण। तो हम इसको थोड़ा सा साफ ऐसे लिख सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ बी आर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ठीक है। तो क्या बन गया, एल्किल ब्रोमाइड प्लस में CO2 और ए जी बी आर यहाँ बाहर निकल ही गया था, यहाँ पर माइनस ए जी बी आर का उसे। तो इस तरह से ये अभिक्रिया कहलाती है हुंसडिकर अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एलिफेटिक हैलाइड बनाने के काम आती है। इसके बाद जो मेन अभिक्रिया है वो है एल्कीन से। एल्कीन में क्या करते हैं, एल्कीन इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का योग किया जाता है HX के योग से। तो इसमें क्या होता है कि एल्कीन में, एल्कीन का मतलब होता है द्विबंध, तो एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि मार्कोनिकोफ का नियम होता क्या है। तो मार्कोनिकोफ का नियम क्या है, मार्कोनिकोफ का नियम, मार्कोनिकोफ का नियम क्या कहता है कि द्विबंध के यानी विद्युत ऋणी परमाणु, यानी ये विद्युत ऋणी परमाणु द्विबंध के उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। यानी इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं कि विद्युत धनी, यानी हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई भी प्लस का हो सकता है, विद्युत धनी द्विबंध के उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु ज़्यादा होते हैं। यानी ये जुड़ेगा तो ये कहाँ जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे उस कार्बन पर जुड़ेगा, और ये कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु ज़्यादा होंगे उस कार्बन पर जुड़ेगा। तो ये क्या कहलाता है, मार्कोनिकोफ का नियम कहलाता है। तो मार्कोनिकोफ के नियम को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, देखिए इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का योग जो अभिक्रिया है ये मार्कोनिकोफ के नियम अनुसार होती है। हाइड्रोजन हैलाइड का योग यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। यानी जो HX से जो अभिक्रिया कराते हैं ये HI टूट कर क्या बनाता है, H प्लस और I माइनस। अब कोई भी जब अभिक्रिया होती है उसमें जो सह अभिकारक होते हैं वो आपस में टूटते हैं तो दो चीज़ें बनाते हैं, धनायन और ऋणायन। तो ये जो माइनस आया है इसको क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही, और इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इलेक्ट्रॉन रागी और इलेक्ट्रॉन ये विरागी। तो इसमें क्या होता है कि H प्लस है तो ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। इस पर माइनस है यानी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ इसको प्लस मिलेगा यानी नाभिक मिलेगा, तो नाभिक स्नेही कहते हैं। अब अभिक्रिया का नाम कैसे पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही ये योगात्मक जुड़ा हुआ है। योगात्मक का मतलब होता है योग होना, जुड़ना। यानी यदि पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करता है अभिक्रिया में, जुड़ते दोनों ही हैं, जो ये पहले जुड़ेगा तो अभिक्रिया इसके नाम से होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, ये पहले जुड़ेगा तो अभिक्रिया इसके नाम पर होगी नाभिक स्नेही अभिक्रिया। अब देखो इसमें होता क्या है कि नाभिक स्नेही योगात्मक और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ये भी होती है। देखो यहाँ पर हमने लिखा ये इलेक्ट्रॉन स्नेही और यहाँ पर लिखा हमने नाभिक स्नेही, ये दो तरह की अभिक्रियाएं दर्शाता है और ये भी दो तरह की अभिक्रियाएं दर्शाता है। क्लियर है, ये बार बार आते रहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, हर अभिक्रियाओं में होते हैं ये। तो हम ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, दो हो गए। अब दो ही इसमें होते हैं, नाभिक, नाभिक को ऐसे लिख दो NU,
इसने ही योगात्मक अभिक्रिया, इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कितनी अभिक्रिया हो गई भाई? इलेक्ट्रॉन इसलिए नाभिक स्नेही के आधार पर इसकी दो हो गई, इसकी दो। अब ये होती क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है तो किसी को हटाता नहीं है, यानी वो क्या कहलाता है, योग हो गया। इलेक्ट्रॉन स्नेही जग गया और जाकर वहां पर जुड़ गया, किसी को बाहर नहीं निकाला, किसी को प्रतिस्थापित नहीं किया, तो अभिक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर है? अब यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, यानी कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही गया और वहां पर उसने किसी को हटा दिया और उसकी जगह पर खुद जाकर जुड़ जाता है, तो उसे कहते हैं प्रतिस्थापन, यानी उसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह से नाभिक स्नेही पर भी होता है, नाभिक स्नेही योगात्मक, यानी नाभिक स्नेही जहां जाकर जुड़े, किसी को हटाए नहीं, किसी को परेशान ना करे और चुपचाप जाकर वहां पर जुड़ जाए, तो उसे कहते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और कोई क्या होता है, नाभिक स्नेही जाए और जाकर किसी को हटा दे और वहां जाकर खुद जुड़ जाए, तो उसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पर कौन सा प्रकार है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले जुड़ेगा ये, उसके बाद क्या बनेगा, जुड़ेगा नाभिक स्नेही जुड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है तो किसी को हटाता नहीं है, खुद जाकर जुड़ जाता है। फिर दूसरे उस पद में नाभिक स्नेही भी जाकर जुड़ जाएगा, ये भी किसी को नहीं हटाएगा। तो जो कार्बन के जो द्विबंध होते हैं, यानी डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनमें ज़्यादातर योगात्मक अभिक्रियाएँ ही संपन्न होती हैं, और जिन सिंगल बॉन्ड होते हैं उनमें विलोपन होती हैं। तो यहाँ पर योग होगा, ये हटेगा, कोई आकर यहाँ पर जुड़ेगा। तो योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि एक पाई बंध टूटता है और दो नए सिग्मा बंध बनते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो हम ये अभिक्रिया इससे करा रहे थे, तो ये योग किसके अनुसार होता है, मार्कोनिकोफ के नियम अनुसार होता है। मार्कोनिकोफ का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार हैलोजन, हैलोजन की जगह कोई भी विद्युत ऋणी भी हो सकता है जिसके ऊपर माइनस आवेश हो। जैसे मान लो हम H2O की बात करें, H प्लस में OH, ये जल के अणु को टूटने से बनता है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वो नाभिक स्नेही है, तो इस पे क्या, इसे क्या कहेंगे, ये भी विद्युत ऋणी है, माइनस है इस पर। तो हैलोजन या विद्युत ऋणी परमाणु का संयोग द्विबंध के, यानी द्विबंध के ये वाले कार्बन और इस कार्बन की बात हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है भाई, है ना। द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। तो कम किस पर है, इस पर है, इस पर जहां दो है इस पर एक है, तो यहां पर आकर जुड़ेगा। तो ये मार्कोनिकोफ का नियम हो गया। अगर मान लो यही अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाए तो ये नियम विपरीत हो जाता है कि हैलोजन यानी विद्युत ऋणी परमाणु का संयोग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु पर होगा जहां पर कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। यानी आयोडीन कहां जुड़ेगा, परोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो यहां जुड़ेगा, और इसके बिना कराएंगे तो यहां जुड़ेगा। तो यदि परोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो उसे एंटी मार्कोनिकोफ का नियम कहते हैं। तो यहां पर देखो, दो उत्पाद बनते हैं, हमने ये HI से अभिक्रिया कराई इसकी, तो यहाँ पर ये 2-iodopropane बन गया, 1-iodopropane बन गया। तो ये अधिक मात्रा में बनता है और ये कम मात्रा में बनता है, ठीक है, बनते दोनों ही हैं। अब इसकी क्रियाविधि हम देखते हैं, तो हम पहले इसको यहाँ पर लिख लो, नेक्स्ट अभिक्रिया यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो देखिए, अगर अभी ये तो थी, हम इसको गर्म कर रहे थे तो ये अधिक मात्रा में बन रहा था और वो कम मात्रा में बन रहा था। अगर यही अभिक्रिया हम परोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो उत्पाद मार्कोनिकोफ के नियम के विपरीत प्राप्त होता है। ऐसे इसे क्या कहते हैं,
एंटी मार्कोनिकोव का नियम या परोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव कहते हैं आदि नामों से इसको जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, आयोडीन कहाँ पर जुड़ेगा अधिक मात्रा में, यहाँ पर जुड़ता है और ये 1-iodopropane अधिक मात्रा में बनता है, इनका मिश्रण बनता है ये। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग हो गया जो मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होता है और उसके विपरीत परोक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो इसमें कारण क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो पहला पद होता है उसमें कार्बधनायन का निर्माण होता है, इसमें कार्बधनायन बनेगा, ये बनता है तो द्वितीय कार्बधनायन बनता है, ये प्राथमिक कार्बधनायन से बनता है। मैं दोनों को इनको एक साथ लिख देता हूँ, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 40 देखिए इसमें क्या होता है, ये मैंने इसकी क्रियाविधि लिख ली है, क्या है ये क्रियाविधि, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड का इसमें अपघटन होता है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही बनते हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया न होकर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करता है इस पर, पहला पद धीमा होता है तो ये एच इसमें बीच में जुड़ता है तो ये चक्रीय मध्यवर्ती बनता है। अब यहाँ से डिपेंड करता है कि कौन क्या बनता है, अगर मान लो ये वाला बंद यहाँ से टूट गया, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए तो ये क्या बना लेगा, CH3CH प्लस आ गया इस पर, ये CH3 हो गया, यानी द्वितीय कार्बोकैटायन बनता है जो अधिक स्थायी होता है। अगर मान लो ये बंद यहाँ से न टूटकर यहाँ से टूटता है तो क्या हो जाता है, CH3CH2 और CH2+ यानी प्राथमिक कार्बधनायन बनता है। ये सेकंड पद में क्या होगा, जो हमारा जो दूसरा बचा हुआ था नाभिक स्नेही, ये तेजी से अटैक करता है और ये उत्पाद बनाता है। तो ये द्वितीय कार्बोकैटायन से बनता है, ये सेकेंडरी हेलो एल्केन होता है, ये प्राइमरी हेलो एल्केन होता है। तो ये अधिक मात्रा में बनता है और ये कम मात्रा में बनता है, बनते दोनों ही हैं, मेन प्रोडक्ट अपना ये होता है। अगर ये अभिक्रिया कंप्लीट अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाए तो इनका अनुपात चेंज हो जाता है, ये अधिक मात्रा में बनेगा और ये कम मात्रा में बनेगा। तो ये इसकी क्रियाविधि है जो 21 में लिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद जो हमारी लास्ट जो अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड बनाने की, वो है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। तो इसमें फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें सामान्यतः हम एल्किल क्लोराइड व एल्किल ब्रोमाइड को आयोडाइड में बदलते हैं, इसमें एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में बनाने के काम आती है, RI बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इनकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, NaI से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, दोनों में, तो दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, यानी शुष्क एसीटोन या मेथिनॉल भी ले सकते हैं, इसमें शुष्क एसीटोन, ड्राई एसीटोन लेते हैं, इसमें भी शुष्क एसीटोन लेते हैं। ये क्या करता है, इसमें जो NaCl और NaBr होते हैं वो घुलनशील नहीं होते हैं और अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा RI, इसमें क्या बनता है, RI एल्किल आयोडाइड प्लस में NaCl और प्लस में NaBr, ये इनके अवक्षेप यानी नीचे बैठ जाते हैं, ये क्यों, क्योंकि ये एसीटोन में घुलनशील नहीं होते हैं इसलिए अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं और हमारा एल्किल आयोडाइड बन जाता है। इस तरह से एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड बनाने की अभिक्रिया क्या कहलाती है, फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद है नेक्स्ट है हैलोजन विनिमय हो रहा है, इसमें यहाँ Cl की जगह क्या आ गया, I आ गया, Br की जगह क्या आ गया, I आ गया। ऐसी दूसरी विधि है स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया या एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या होती है कि जैसे एल्किल आयोडाइड इसमें बन गया, अब एल्किल आयोडाइड से हम एल्किल फ्लोराइड बनाना हो तो इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, इसमें जब एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं के साथ गर्म करते हैं तो RF प्लस में
AgI का अवक्षय बनता है। तो एल्किल फ्लोराइड बनाने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, स्वार्ट विक्रिया कहलाती है। तो इसी के साथ हमारा ये इनको हैलोजन या हेलो एल्किन बनाने की विधि कंप्लीट हो गई है। तो एल्किल आयोडाइड, तो ये जो अवक्षेप बनते हैं, अवक्षेप का मतलब तीर के निशान को नीचे की ओर दर्शाने का मतलब होता है अवक्षेप, यानी पैंदे में नीचे बैठना, और तीर के निशान को ऊपर की ओर दर्शाने का मतलब होता है कि वो वाष्पित होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अवक्षेप बनते हैं NaCl, NaBr और AgI का। इसी के साथ हमारी हेलो एल्केन हेलो एरिन बनाने की अभिक्रियाएँ समाप्त हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके भौतिक गुणधर्म और इनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ, यानी जो एल्किल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड जो बने हैं वो किस किस से अभिक्रिया करते हैं और क्या क्या नए उत्पाद बनाते हैं। तो ध्यान रहे, अभिक्रियाएं बार बार रिपीट होती हैं, हर चैप्टर में कोई ना कोई अभिक्रिया रिपीट हो जाती है। 12th क्लास में बहुत कम रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।